मैंने ये देखा है कि जो भी एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है वो किसी ना किसी की मदद ज़रूर कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड ज़रूर कर रहा होता है, वरना वो सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन सकता। शुरू से आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग जो लोग इस्तेमाल करें, उनसे उनकी ज़िंदगी आसान हो, ज़िंदगी का जो काम है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा हो जाए। I used to order food a lot. मैं बाहर से खाना बहुत खाता हूँ, जिसकी अम्मी को बहुत शिकायत है। तो और उस वक्त सिर्फ एक प्लेयर था, फूड पैंडा। वो देख के आई रियलाइज दैट देयर इज अ गैप इन द मार्केट फॉर अनदर प्लेयर। बहुत ज़्यादा वेल इंट्रेंच्ड मार्केट में हमने ऑपरेट किया था, 3000 कस्टमर्स के साथ, रेस्टोरेंट्स के साथ डील किया था, एक लाख ट्रांजैक्शन महीने के कर रहे थे। उस पूरी लर्निंग का जो लुब्बे लबाब था या जो समरी थी ना, वो ये थी कि मर्चेंट्स वांट समथिंग विच इज़ मोर मर्चेंट फ्रेंडली, रेस्टोरेंट्स वांट समथिंग विच इज़ मोर रेस्टोरेंट फ्रेंडली। इस वक्त हमारे पास 3 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं दुनिया में, एक सऊदी अरेबिया में, एक US में और एक ताइवान में। पाकिस्तान में भी बात करें तो नैंडोज़, बर्गर लैब, बर्गर किंग, लाल किला, मीटमन, ये बहुत बड़े नाम हैं। इनकी अगर ऐप्स और इनकी टेक्नोलॉजी ब्लिंक की पावर्ड हैं तो आई थिंक इट्स अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर अस एज वेल एज सेटिस्फैक्शन कि हाँ, कोई चीज़ बनाई है तो वो अच्छी बनाई है। क्विक कॉमर्स की स्पेस में इस वक्त स्टार्टअप्स का एक टेक्नोलॉजी कंपनीज का कंट्रोल है। वी वांट टू डेमोक्रेटाइज दैट थ्रू आवर टेक्नोलॉजी। जो रोज़ की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, अगर वो आपको जल्दी से चाहिए, दूध ख़त्म हो गया, चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, उसके लिए भी लोगों को ऐप्स चाहिए। इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, अलफता स्टोर है लाहौर में, जलाल सन्स है, ये लोग क्यों 1 आवर में ग्रोसरी डिलीवरी नहीं कर सकते? नाइट की सुपर स्टोर की अगर ऐप है, अगर वेबसाइट है, तो बहुत कन्वीनियंट है कस्टमर के लिए ऑर्डर करना, बट विद द फैक्ट दैट वो इंस्टेंट डिलीवरी हो, अगर वो 4 दिन बाद आ रही है तो उसमें मज़ा नहीं है। सो दैट्स द एंटायर विजन कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ऑल ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेसेस इनटू अ क्विक कॉमर्स पावर हाउस। जब हमने लॉन्च किया अगस्त 2018 में, फ्रॉम देयर टू 2019 हम कोई तकरीबन 3000 ऑर्डर दिन के कर रहे थे। तो वो हमारा जो बैकएंड था वो उस वॉल्यूम को और उससे ज़्यादा वॉल्यूम को भी झेलने का आदि था। उस वक्त हमें नज़र ये आ रहा था कि अगर हमने फर्दर यहाँ से ग्रो करना है तो आइदर वी रेज मैसिव फंडिंग राउंड्स, जो कि पाकिस्तान में उस वक्त तक नहीं हो रहे थे। हमारा अल्लाह का शुक्र है एक विजन रहा है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें, मेरा भी, साहिर का भी और सुजान का भी। माइक्रो लेवल पे यूनिट इकोनॉमिक्स की समझ आ रही थी कि ये बिज़नेस जो है ये फ़ायदेमंद जब भी होगा या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जब भी आएगी, जब आप 30% 35% कमीशन चार्ज करेंगे मर्चेंट्स को, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। जाहिर है रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री में थे तो रेस्टोरेंट्स वालों से बातचीत रहती थी, उनके पेन पॉइंट्स हम समझते थे। जो हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग थी, जो रीज़न बना, वो ये था कि जो मर्चेंट को हम अगर फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, सो वी डोंट वॉन्ट टू बी इन दैट बिजनेस। हमें एहसास ही हुआ कि इन लोगों को अपनी डायरेक्ट ऑर्डरिंग चैनल्स की भी बहुत ज़रूरत है, और अगर वो टेक्नोलॉजी हम बना लें किसी तरह जिससे इनको बहुत आसानी हो अपनी वेबसाइट और ऐप्स लाने में, तो आई थिंक कुछ अच्छा काम हो सकता है, इन लोगों की मदद हो सकती है उससे। हम तो मर्चेंट की हेल्प करने आए थे और एंड पे अगर हमें 30-35-32% उनको कमीशन चार्ज करना पड़े और वो फिर हम पे फुली डिपेंडेंट हो जाएं, सो वो रीज़न बना कि वहाँ से फिर हमने कहा कि नहीं, वी हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल विच इज़ मोर वेंडर फ्रेंडली, विच इज़ मोर मर्चेंट फ्रेंडली, और वहाँ से फिर हमने उस पिवट को फ्रॉम ईट मुबारक टू ब्लिंक की हमने जर्नी की। हम रेस्टोरेंट को ये बात समझाते हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट, चाहे जितना भी बड़ा हो, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रेस्टोरेंट भी है, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट अ फ्यू मिलियन डॉलर्स ऑन देयर ऑर्डरिंग टेक्नोलॉजी, उनके पास वो मसल नहीं होता, राइट? यूजली क्या होता है, अगर आप एक ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट हों चाहे आप कोई सुपर स्टोर हों, अगर आपको ऑनलाइन ऐप और वेब चाहिए तो आपके जहन में आता है किसी से बनवाते हैं। अगर आप ख़ुद किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाते हैं कोई रेस्टोरेंट, तो पाकिस्तान में कम से कम भी कोई उसको मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट का वो कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख तक भी चार्ज करेगा, बट चंद लाखों में होगा। वो बनवाने का टाइम फ्रेम है तकरीबन 6-8 महीने, उसके बावजूद वो अच्छी बने ना बने। इन आर केस आप अ फ्यू थाउजेंड रुपीज़ देते हैं और अब यू स्टार्ट यू गो लाइव,
और जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे आपको आपको वो आना शुरू हो जाएंगे, आप मंथली फ़ी पर स्टोर की बेसिस पे कर रहे होते हैं। आप किसी से बनवाने जाएंगे आपको वक्त लगेगा, हमारे पास चीज़ बनी हुई है। आपको 5 लाख रुपए खर्च करने के बजाय आप 20,000 रुपए दे दें, 10,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रेस्टोरेंट, आप ये 10,000 रुपए महीने के देना शुरू करें और सर्विस यूज़ करना शुरू कर दें। जो आपका कस्टमर है आपको सारा डेटा मिलेगा, आपको पता चलेगा कौन आपको ऑर्डर कर रहा है और आपको उनका ट्रेंड, उनका डाइनिंग पैटर्न सब आप देख सकते हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं खुद ही। ब्लिंक इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डरिंग चैनल, उसमें फिर एंगेजमेंट स्वीट भी है, उसमें रिटेंशन को बेहतर करना है, एक्विजिशन को बेहतर करना है, एनालिटिक्स उनको हम प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स को रिटेन कैसे करना है ये एक चीज़ थी जो एग्रीगेटर्स आपको नहीं देते, बिकॉज डेटा इज़ वेरी पर्सनल। तो हम इसको कहते हैं कि हम ब्लिंक में एक इकोसिस्टम अप्रोच ले रहे हैं कि वी हैव टू बिल्ड एंड प्रोवाइड एन इकोसिस्टम टू आर मर्चेंट्स। और ये एक मार्केटिंग चैनल भी है आप लोगों के लिए, इससे आप कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स खुल जाते हैं, SMS, पुश नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह। तो ये पूरी चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि जो कोर टेक्नोलॉजी है वो ब्लिंक हो, विच इज़ कनेक्टिंग विद ईजी पैसा, विच इज़ कनेक्टिंग विद जैस कैश, विच इज़ कनेक्टिंग विद क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो क्रेडिट कार्ड प्रोसेस कर रही हैं, इट इज़ कनेक्टेड विद बाइकिया, इट इज़ कनेक्टेड विद करीम फॉर लास्ट माइल, इट इज़ कनेक्टेड विद ई ओशन फॉर SMS मार्केटिंग। तो वो सारा एक इकोसिस्टम जो है ना वो उसको एक जगह पर मिल जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको अपनी ब्रांडेड ऐप्स मिल रही थी, किसी और के नाम से नहीं मिल रही थी। उनका जो वेबसाइट का डोमेन है वो उन्हीं का नाम था, burgerlab.com.pk, कोई blink.burgerlab के नाम से नहीं आ रहा था। क्विक कॉमर्स इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स इज लाइक यू शॉप फ्रॉम खाड़ी और सफायर, जो अपने चाहे आप कराची से शॉप करें या लाहौर से शॉप करें, आपको वही 3-4 दिन में ही आपका आइटम डिलीवर होता है। अब आपको जो चीज़ 3 दिन में मिलती थी, 2 दिन में मिलती थी, नाउ यू वांट इट इन 2 आवर्स, 3 आवर्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, डिपेंडिंग के वो क्या चीज़ है। क्विक कॉमर्स ऑन द अदर एंड इंस्टेंट, उसमें ये होता है कि जो भी नियरेस्ट स्टोर है वहाँ से फुलफिलमेंट हो जाती है। हम सबसे पहले कस्टमर की लोकेशन देखते हैं, फिर देखते हैं कि आपका नियरेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर क्या है। वो फुलफिलमेंट सेंटर किचन हो सकता है इन अ केस ऑफ अ रेस्टोरेंट, वो फुलफिलमेंट सेंटर वेयरहाउस हो सकता है, वो फुलफिलमेंट सेंटर आपकी दुकान हो सकती है, रिटेल स्टोर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ के करीब जो स्टोर है अगर वो इस ज्योग्राफी में, इस जियोफेंस में डिलीवर करता है तो मेरा ऑर्डर वहीं जाएगा और मुझे इन्वेंट्री भी उसी स्टोर की दिख रही होगी अपनी ऐप पर। We recently completed our first year, तो जो भी हमारे contracts थे वो सारों ने renew किए contracts। और वो खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके orders बढ़ रहे हैं। हमारा churn जो है, वो बिल्कुल almost next to zero है। कोई complain नहीं है, उनके month on month growth हो रही है। अब वो relationship बहुत अच्छा है, यानी brands जो हैं, वो they are actually thankful to us। उन्होंने खुद हमें बताया, जो हमें बहुत सुकून मिलता सुन के कि उनकी After getting on to Blink, their sales 20%, 30% बढ़ गई। अगर आप publicly listed companies से जब बात करते हैं तो उनके जो checks and balance होते हैं, security की requirements होती हैं, architectural requirements होती हैं, जब वो हम share करते थे और वो कहते थे कि no, this is truly world class and we weren't expecting this, तो वो बड़ा एक सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है हमारे पास। यानी हम अपने आप को, हमें एक दो दफ़ा ये हुआ है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम सेल्स कॉल पे गए और हमें कहा गया अच्छा आप तो पाकिस्तानी हैं तो आपकी तो प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं होगी और पैसे भी कम लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय दैट टाइम हमारे पास वो करेज थी, हमने कहा था कि नहीं, अगर आपने पैसे कम देने सो लेट्स एंड दिस कॉल नाउ। ठीक है, आप इवेल्यूएट करें प्रोसेस, आप टेक्नोलॉजी को इवेल्यूएट करेंगे विद ऑल द अदर वैल्यूएशंस एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी डिस्काउंट जस्ट बिकॉज वी आर पाकिस्तानी। अब हम B2B में बिजनेसेस, हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स तो ऑर्डर कर ही रहे हैं और कस्टमर्स को जब खाना टाइम पे मिलता है वो क्लाइंट हमारे क्लाइंट की तारीफ़ करते हैं और जब क्लाइंट को ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो वो हमारी तारीफ़ करते हैं। तो तारीफ़ से तो हर किसी को खुशी मिलती है, बट ये सोच के कि चीज़ इस्तेमाल हो रही है और लोग कर रहे हैं इस्तेमाल, जो टूल्स एंड फीचर्स हमने दिए हुए हैं कि आप SMS कर सकें, आप ईमेल्स कर सकें अपने क्लाइंटेल को, वो यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ये महसूस होता है कि कुछ चीज़ काम की बन गई है।